मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तत्वावधान में चलने वाला निरंतर कार्यक्रम जिसका नाम गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस, हमारे हिंदी भाषा में गुरु सियाग सिद्ध योग ध्यान और अपने अनुभव के 315वें भाग में हम लोग सारे गुरु भाई इस मंच पे उपस्थित हैं। और इस मंच पे उपस्थित होने का मात्र एक ही कारण है कि जितने भी गुरु भाई हैं वो गुरु सियाग से, गुरुदेव सियाग के सिद्ध योग से किसी न किसी वजह से, किसी न किसी, हमारे गुरुदेव करते हैं कि हमारे यहाँ जो भी आता है कम से कम 90% लोग बीमार आते हैं, 10% लोग जी के आंसू आते हैं। तो हमें भी से ऐसे बहुत सारे गुरु भाई हैं जो किसी न किसी समस्या से गुरुदेव से जुड़े हैं, कोई न कोई जिज्ञासा बस जुड़ा है। तो इस मंच की सबसे बड़ी खूबी यह है कि एक खुला मंच है, हम आपस में 315वें भाग में उपस्थित हैं। तो इस मंच का सबसे एक आसान तरीका है, सबसे बड़ी खूबी है कि जो भी मन में हमारे विचार आता है गुरु सियाग सिद्धियों के माध्यम से, चाहे जो भी हमें अनुभूतियां होती हैं, जो भी हमें अपने अनुभव होते हैं, जो भी हमारा प्रश्न होता है, हम खुलेआम इस मंच पे रखते हैं। हमारे यहाँ कोई मतलब प्रतिबंध नहीं कि ना ही आपको ये कहना है ये नहीं कहना है, आपको ये कहना है ये नहीं कहना, ये खुला मंच है। और हमारे साथ साथ जैसे मैं आप लोगों के सामने समक्ष होकर प्रस्तुत कर रहा हूँ गुरुदेव सियाग सिद्धियों का, आप लोग भी ऐसे ही प्रस्तुत कर सकते हैं। आप लोग भी दुनिया को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, अपने परिजनों को बताएं, अपने रिश्तेदार को बताएं, अपने परिचित को बताएं। हमारे गुरु का आदेश है कि एक साधक कम से कम 100 लोगों को बताएं। तो 100 का 100 जब हम लोग गुणा करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि फिर कोई बचेगा नहीं धरातल पर। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। और कोई भी नए गुरु भाई बहन इस मंच को अपनी अनुभूतियों से को साझा करें, अपने अनुभव को साझा करें, अपनी जिज्ञासा, कोई भी प्रश्न है आप रख सकते हैं, उसका हम उचित समाधान देने का प्रयास करते हैं। अगर मैं नहीं दे पाया तो हमारे बहुत सारे गुरु भाई बहन इस मंच पे विराजित हैं, वो आपके मन प्रश्नों का उचित समाधान देने का प्रयास करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ कोई भी गुरु ने भाई हैं जो नए जुड़े हैं उनका विशेष रूप से स्वागत है। अपना हैंड रेज करें, मंच के पर सामने आए और अपने विचारों को, अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को, अपने प्रश्न को रख सकते हैं। कोई गुरु भाई बहन, ये आपका मंच है, आपका कार्यक्रम है, हमारा किसी का पर्सनल नहीं है, सबका है। एक प्रकार से अपने गुरु की सेवा का कार्यक्रम है। विकी शर्मा जी, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव की कृपा से साधना तो चली रही है जी। लास्ट बार मैंने पूछा था खिचड़ी मुद्रा क्या होता है, तो खिचड़ी मुद्रा में जीव उलट जाती है, उलट के फिर उसके बाद रस टपकता है जी। ये तो प्रैक्टिकल हो रहा है शरीर के भीतर जी। रस टपकता है, भर जाता है रस। हाँ, उसके बाद वो रस को हम लोग पी लेते हैं। मैंने
जो गुरुदेव एक बोलते हैं ना दुहा, गगन मंडल में ऊंधा धारा वहां अमृत का कुआं, सगुरा होए भर भर पीवे निगुरा जाए प्यास। तो मैंने ये चीज गुरुदेव कहते कितना हैं कि गगन मंडल में ऊंधा कुआं तहां अमृत का वासा, सगुरा होए भर भर पिए निगुरा जाए प्यासा। प्रैक्टिकली घटित हो रहा है शरीर में बहुत सारे लोगों को होता है। गुरु भाई जी आपको तो चलिए ठीक है, आप दीक्षित हैं आप मंत्र लेने के बाद, लेकिन हमारे परिवार में हमारी धर्म पत्नी को बिना दीक्षा के बिना मंत्र के खेचरी लगी थी, अभी रिसेंटली उनको लगी थी फिर से। अभी हाल में करीब 2 सप्ताह या 3 सप्ताह हो रहे हैं उनको लगी थी। तो वो तो गुरुदेव बोलते हैं ना कि अपने अपने प्रारब्ध के ऊपर सब निर्भर करता है, और साधक कितना इनोसेंट है गुरुदेव के प्रति। इनोसेंट का मतलब ये नहीं है कि मतलब साधक को कुछ आता ही नहीं, वो भाव गुरुदेव बोलते हैं ना कि एक पंडित जी आते थे आश्रम पे झुकते थे, तो मैं बोला कि पंडित जी अपने शरीर को क्यों कष्ट दे रहे हो, अंदर से झुको। इसी मंच पे भी कई बार इस ये प्रश्न लगा गया कि अंदर से कैसे झुकना होता है। अरे जब आपका सारा समर्पण गुरुदेव के चरण में हो गया, गुरुदेव की तस्वीर देख करके अगर रोना आता है तो वही समर्पण है। सारा दिन आप गुरु गुरुदेव गुरुदेव करते रहेंगे, इसका मतलब ही आपके पास समर्पण आ गया। समर्पण है, वही समर्पण है। यस। तो अब मेरा प्रश्न है, प्रश्न ऐसे तो मैंने जो चीज होता है स्वयं अपने आप ही होता है। तो मैंने एक खिचड़ी मुद्रा के बाद मैंने कुछ क्या होता है उसके बाद का क्या स्टेज है, कोई अगर साधक है या गुरु भाई बहन है जिनको एक्सपीरियंस हुआ। ये तो महारानी मुद्रा है गुरु भाई जी, ये तो महारानी मुद्रा है। गुरुदेव बोलते हैं कि मुद्रा में सबसे बड़ी मुद्रा होती है, इसके बाद कोई मुद्रा नहीं होती। हाँ आसन प्राणायाम वगैरह तो गुरुदेव बहुत कहते हैं कि असंख्य है, हमारे जो योगाचार्य तो कुछ ही कराते हैं, लेकिन सिद्ध योग में बहुत सारे प्राणायाम है, उसकी मतलब संख्या नहीं है। यस yes. गुरुदेव एक बात बोलते हैं ना, प्राणायाम माने जब तीनों बंद लग जाता है तब ऑटोमेटिक प्राणायाम होता है, एकदम प्रैक्टिकल। हम लोग बने बाबा रामदेव जो हैं या जो योग करा रहे हैं फिजिकली, बिना कोई भीतर से नहीं, माने फिजिकली जोर जबरदस्ती करके योग हो रहा है, माने करा रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट होगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पर ही तो हम लोग को समझ में आता है कि माने जब तीनों बंद लग जाते हैं, गला ऐसे करके हो जाता है, तब उसके पास प्राणायाम शुरू होता है। तो बोलते हैं क्रियात्मक योग है, एक क्रियात्मक योग है, अपने आप क्रिया होती है इसमें। आपको साधक को कुछ नहीं करना, साधक को तो बस गुरुदेव के दिए हुए मंत्र को जपना है और ध्यान करना है तीसरी आंख पे, उसके बाद गुरुदेव बोलते हैं आपकी छुट्टी, उसके बाद गुरु का काम चालू हो जाता है। अगर गुरु समर्थ है, उसके अंदर कोई शक्ति है पावर है तो वो अपना काम दिखाएगा। एक एक गुरुदेव की बोली हुई एक एक वाणी माने शरीर में प्रकट हो रही है, माने क्रियात्मक रूप में। ये जी बहुत अच्छा लगता है। और खेचरी तो बहुत ऊंची मुद्रा है, जब खेचरी लग गई आपके शरीर में जो अमृत है वो अमृत। यस जी बोलिए। खेचरी मुद्रा के बाद मैं साधक माने जो गुरु भाई अगर कोई है उनको अगर एक्सपीरियंस हुआ होगा, खेचरी मुद्रा तो बहुत दिन तक लगी रहती है, उसके बाद कि अगर कुछ माने किसी साधक के पास पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस रहता है तो वो बताएं एटलीस्ट, तो उसके बाद जान सकता है यदि है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चेतना जी ने, चेतना गुरुबान ने एनरेज किया है, आपका स्वागत है। बिके जी आप बने रहे, गुरुबान मंच को साझा करें। चेतना गुरुबान जी का आपका स्वागत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। गुरु भाई का प्रश्न है कि खेचरी मुद्रा के बाद भी कोई ऐसी मुद्रा है या कोई ऐसा योग है जो शरीर में होता है या नहीं होता है? गुरु भाई मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं आज हमारे एक डॉक्टर साहब हैं आरके हॉस्पिटल के, तो उनके घर आई थी गुरुदेव का दर्शन बताने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार उनसे बात करें। मैं अभी उन्हीं के घर पे हूँ, तो आप उनको गुरुदेव के दर्शन के बारे में और जानकारी दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, सामने लाए। जय गुरुदेव, बहुत बहुत आपको।
आप अपना प्रश्न रखें तभी हम उसको कुछ बता पाएंगे। आप जानना क्या चाहते हैं गुरुदेव के सिद्ध योग के बारे में? बहन जी ने तो आपको, गुरु बहन ने तो सब कुछ बता दिया होगा, और कुछ आप क्या जानना चाहते हो उसमें? मैं सर 2008 के लगभग बीकानेर से MBBS की है। जी जी। 2008 में उनके संपर्क में आया था सिस्टर के लिए। में आप आए थे? सिस्टर को ब्रेन ट्यूमर था, तो पर्सनली उनसे मिला भी था जी। और उनका जो मंडल लगा था उसमें योग भी किया था जी। मेरे साथ दो तीन और थे, तो उस टाइम पर मेरा ध्यान नहीं लगा था लंबे टाइम। अब या आपका 15 मिनट उस टाइम पर लंबा अच्छा चला था, लंबा चलता पूरा पांडा, ध्यान नहीं लगा था उस टाइम पे। फिर उनकी जो फोटो लेके घर आए थे, कई दिनों तो कोशिश की, योग नहीं बैठा जी। मेरे साथ गए थे, उनका बैठ गया। अच्छा, आपके साथ वाला बैठ गया, आपका नहीं बैठा? मेरा नहीं बैठा। गुरु भाई जी, मैं आपको, आपसे मैं क्षमा चाहूंगा, आप मंत्र को कितना सीरियसली लिए थे? सीरियसली का मतलब बहुत बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। गुरुदेव बोलते हैं ना कि जब तक आपके मन में ये रहेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, फला हूँ, जब तक आपका सरेंडर नहीं होगा गुरुदेव के श्री चरणों में, गुरुदेव बोलते हैं कि फिर आप जीवन भर बैठे रहो, जपते रहो, कुछ नहीं होने वाला। एक चीज बताऊ, आप अन्य कहीं भी पूछ लेना, अब मेरी सर्विस हो गई लगभग 12 साल की, कभी मैंने ये नहीं बोला मैंने ठीक किया, कभी मैंने ये बोला मैं डॉक्टर हूँ, आप पेशेंट हो, कभी किसी को नहीं बोला। नहीं, आपको, आप उसको अन्यथा नहीं ले, मैं क्षमा चाहूंगा इसके लिए। मैं आपको कभी ऐसी स्थिति में नहीं बोला हूँ कि आप डॉक्टर हैं। मैं, मेरे हमारे गुरुदेव का ये कहना है कि जब तक आप नाम के प्रति बहुत सीरियस नहीं होंगे, नाम जप ही चाबी है, नाम जप ही सारी समस्याओं का समाधान है। गुरु भाई जी, 2005 से मैं जुड़ा हूँ, लोग जितनी अनुभूतियां बताते हैं कि मुझे ये होता है, मुझे वो होता है, मुझे नहीं होता, लेकिन मेरा टोटल सरेंडर है गुरुदेव के श्री चरणों में। आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि मैं आज गुरुदेव के प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूँ। मैं 2005 में HIV पेशेंट था। अगर आज मैं आपके सामने रूबरू बात कर रहा हूँ तो ये गुरुदेव की ही कृपा है और उस मंत्र का ही कमाल है। सर, HIV एड्स हो गया था पूरा, है ना, सिंड्रोम? नहीं, वो अब एड्स में बदला था नहीं बदला था वो मुझे नहीं मालूम। यानी पॉजिटिव अलग होता है और CD4 काउंट का डाउन होना एड्स में आ जाता है फिर, यानी सिंड्रोम सिम्टम आते हैं उसे। वो स्थिति मेरी नहीं थी। वो स्थिति मेरी नहीं थी। अच्छा, मुझे शायद शुरुआती दिनों में ही पता चल गया था, और जैसे ही पता चला जनवरी में गुरुदेव के सानिध्य में, फरवरी से मैं आ गया था, 2005 फरवरी में गुरुदेव से जुड़ गया था। और ये जुलाई अगस्त सितंबर में मेरा एकदम पता कैसे चला HIV पॉजिटिव का? जांच करवाने पे, मेडिकली जांच करवाई। कितनी बार सर? कितनी बार जांच करवाई? मैं 1, 2, 3, 4 जगह पे जांच करवाया था। 4 जगह, उसमें डबल टेस्ट वाला सब शामिल था कार्ड के साथ? वो रिपोर्ट आज भी मेरे पास है। तब कंफर्म है वो। फिर कितने दिन बाद में नेगेटिव है? ये मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ, जनवरी 2005 में मुझे पता चला था, और अगले साल जब गुरु पूर्णिमा का, मतलब 2006 में गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम था, तो मुझे कहा गया आश्रम से कि आप अपनी रिपोर्ट लेकर आएंगे। जब मैं फिर मई में कराया था, एक मतलब 1.5 साल के बाद, तब तक मेरा मतलब वायरल लोड -20 था। वायरल लोड कितना था? -20। माइनस सर एक मिनट, माइनस में कैसे हो सकता है वायरल लोड? जीरो हो सकता है, माइनस में कैसे हो सकता है सर? मैं आपको मनुष्य धरती पर -2 है, कैसे पॉसिबल है? जीरो हो सकते हैं, लेकिन माइनस आएंगे। अब जो भी हो सर, ये सर मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ, इन सर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, और मैं यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, वहाँ हमारे साथ एक डॉक्टर है नीरज सक्सेना, वो इनके से 2008 के, मतलब -20 चली जाती क्योंकि इसके आगे मशीन काम ही नहीं करती है।
ये हमारे जो गुरुदेव का जो सिद्ध योग है, ये मतलब ये जो अपनी विज्ञान है इससे कई आगे। मैं नर्सिंग ऑफिसर ही हूँ, स्टाफ नर्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर। तो जो मतलब आप जैसे सक कर रहे हो ना, अभी वहाँ ट्रेनिंग में गई थी मैं चित्तौड़ एक्चुअली 3-4 डेज की। वहाँ जो डॉक्टर्स थे उनको मैंने सबको बताया ये चीज के बारे में, क्योंकि अपन यकीन नहीं करेंगे। लेकिन ये जो अध्यात्म विज्ञान है, ये अपना जो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, इसके सामने बहुत सूक्ष्म है। ये जब आप बोलो ना कि -20 मतलब जो अपनी मशीनें है वो मशीनें काम करना बंद कर देती है इस विज्ञान के सामने, ये सर तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं सर, आप खुद मतलब पता करेंगे। और ये जैसे कह रहे हैं ना कि आपने ध्यान किया था ना, आपको कुछ नहीं हुआ जी जी। लेकिन ये जो गुरुदेव का जो सिद्ध योग है, इसमें गुरुदेव कहते हैं कि आप अगर झुक के मांगोगे तो आपको एक क्षण ही नहीं लगेगा। और बुद्धि के प्रयास से या अपने ज्ञान से, मतलब कैसे भी कह दो, ये जो चीज है सिद्ध योग, ये आपको खाली झुक के मांगोगे समर्पण से तो ही मिलेगी, ऐसा नहीं मिलेगी। चाहे अपन ऐसे तो सालों बैठे रहे तो भी नहीं मिलेगी, ये कहना चाह रही थी। और ये चीज सर बिल्कुल सत्य है। मैं एक चीज और कहूंगी कि मेरे हस्बैंड को जो है प्लास्टिक एनीमिया हुआ था, और इनको है ना जो बॉम्बे का जस लोक हॉस्पिटल है वहां पे रेफर किया गया था बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, वो नहीं हो पाया। और ये ठीक हुए हैं, आज इसी से ठीक हुए हैं, बिल्कुल स्वस्थ है। ये बात 2008 की है, तो आप सब कीजिएगा। हम तो मतलब खाली इतना सा आपको विश्वास दिलाने के लिए बोल रहे हैं कि ये बहुत सही चीज है, आप करके देखेगा। नहीं नहीं, प्लास्टिक ठीक हुआ तो ठीक है, देखो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बिना नहीं किया उन्होंने, परमाणु परीक्षण में इंजीनियर इनके। अच्छा अच्छा, हाँ रेडिएशन से होगा, जानकर ताजुब होगा आपको, जानकर ताजुब होगा कि 2005 मई में जब मैं गुरुदेव का दर्शन किया था, 8 मई का दिन था, गुरुदेव मुझसे पूछे कि बेटा दवाइयां लेता है क्या, मैं बोला हाँ गुरुदेव लेता हूँ। गुरुदेव अगले क्षण बोले कि बेटा दवाइयां छोड़ दे। भाई जी 2005 8 मई के बाद बीमारी के नाम पे आज तक मैं एक टैबलेट नहीं लिया हूं, और आपके सामने बैठ करके बातें कर। अगर बीमारी थी तो गई कहां? बीमारी थी तो मुझे तो जीने का हक ही नहीं है। क्यों सर, जीने का हक क्यों नहीं है? जीने का बीमारी रहती तो जीने का हक नहीं, इम्यूनोलॉजिकल डिजीज को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है अपना स्ट्रेस, अपना स्ट्रेस इफेक्ट करता है इम्यूनोलॉजिकल डिजीज को। यानी आपकी उम्र यदि 50 साल है तो स्ट्रेस के कारण आपकी 5 साल हो जाती है। जी बिल्कुल, कभी ह्यूमन बॉडी से हो जाता है। सोच का विषय है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ घटेगा। हाँ बस वो है कि अपनी, हाँ प्रकृति बहुत अद्भुत है, प्रकृति बहुत अद्भुत है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे बताया ऐसा ऐसा है आपके साथ, और मेरे दोस्त ने बताया कि इसका परिणाम जानते हो, बोला इसका क्या परिणाम होगा, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं डरा नहीं था शुरू से आज तक, डरा नहीं था। हाँ एक वो आशीर्वाद बहुत ज्यादा काम आ गया आपके, आज बिल्कुल निडर होके खड़े हो। और फिर गुरुदेव मिल गए तो फिर वो सोने पे सुहागा हो गया मेरे लिए। वरना क्या होता है कि किसी को पॉजिटिव बता देते हैं तो 5 साल में तो पूरा वो ऐसे कमजोर हो जाता है, बता नहीं कि नाम नहीं वो। लेकिन गुरु भाई जी एक चीज और मैं बताऊं, जिस डॉक्टर ने मुझे पॉजिटिव बताया था और फिर 1.5 साल के बाद निगेटिव हुआ था, मैं दोनों रिपोर्ट लेकर गया था डॉक्टर के पास, उसी डॉक्टर के पास मैं उनसे पूछा कि मुझे आप ये बताएं कि इसमें कौन सा सही है। कौन सी रिपोर्ट सही है? दोनों रिपोर्ट आपकी लैब ने बताया है, आप मुझे बस इतना बताएं कि कौन सा सही है। फिर क्या हो? फिर मैं बोला कि सर आपके ऊपर मैं कंपनसेशन फाइल करने वाला हूँ, केस करूंगा आपके ऊपर। नहीं नहीं सर, टेस्ट है वो, टेस्ट रिजल्ट है। सुनिए ना, सुनिए मेरी बात, मैं उनके खिलाफ कुछ करने वाला नहीं था, बस उनके यहाँ बस कहने गया था। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट किया कि सर ठीक है, आपने तो मुझे HIV पॉजिटिव घोषित कर दिया, मैं था नहीं था, आज मैं नहीं हूँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज के बाद अगर कोई भी कैंसर पेशेंट आपके यहाँ आता है, कोई HIV पेशेंट आता है, तो उनको कम से कम मेरा नंबर जरूर आप बताएं। लेकिन भाई साहब
आज 70 साल हो गए हैं मेरे यहाँ, उस डॉक्टर के माध्यम से कोई नहीं आया, मैं गुरुदेव के माध्यम से, गुरुदेव की कृपा से बहुत सारे लोगों को बता करके ठीक कर चुका हूँ। एयर कंडीशन में बैठे थे, मुझे कभी वो रिपोर्ट देखते थे, कभी मुझे देखते थे, बोला आपके आपको मैं 2 करोड़ रुपया का हर्जाना मैं आपके ऊपर डैमेज फाइल करूंगा। मुझे ये बताएं कि रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट सही है, नहीं 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 कौन सी गलत है, टेस्ट रिजल्ट नेगलिजेंस नहीं होती सर, नहीं नेगलिजेंस नहीं होती, लेकिन आपका विज्ञान तो कहता है कि एचआईवी तो क्योरेबल ही नहीं है, एड्स क्योरेबल नहीं है सर, एड्स क्योरेबल नहीं है। डॉक्टर साहब मैं इसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहूंगा, मेरा नाम बुद्धि प्रकाश सिन्हा है और मैं मैं रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में जो परमाणु विद्युत घर है मैं कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब पीके सिंह जी जो गुरु भाई होस्ट कर रहे हैं वो तो एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा मैं 3 गुरु भाइयों के आपको पर्सनली नंबर शेयर कर सकता हूँ और 15 लोगों की जो है आपको पूरी रिपोर्ट में शेयर कर सकता हूँ। अगर आप मान लीजिए कि इसको रिसर्च बनाते हैं तो आप रिसर्च करिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और गुरुदेव सियाग सभी योग के अंदर एड्स क्योरेबल है, चाहिए नहीं एड्स क्योरेबल है। अगर आप इंटरनली गुरुदेव से झुक के प्रार्थना करते हैं और सघन मंत्र जाप करते हैं तो कोई सी बीमारी ऐसी नहीं है, मेडिकल साइंस की कोई सी डिजीज ऐसी नहीं है जो क्योरेबल नहीं हो, नहीं चाहे वो एड्स हो या कैंसर हो। कैंसर किसी भी अवस्था में, मेरा मेरा, मेरा 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 खुद का एग्जाम्पल तो मेरी वाइफ ने बता दिया प्लास्टिक एनीमिया का, मेरी वाइफ वो अपना खुद का बताना भूल गई, उसको खुद को जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डॉक्टर साहब, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ऑलमोस्ट 1.5 साल पुरानी बात है। हमने आयुर्वेद में खूब ट्राई किया, एलोपैथी में खूब ट्राई किया सर, यदि ऐसा ना मैं ट्राई करूंगा, मैं भेजूंगा नंबर, क्योंकि मेरे पास ही क्या है कि डिस्ट्रिक्ट के जो नोडल कैंसर अधिकारी है मेरे सामने बैठते हैं, तो MBBS सामने बैठते, मेरे को बताएं क्योर नहीं होगा, वो मैडम के पास भेज दूंगा, चेतन मैडम के पास। आप करवाइए ना भाई, होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है ना भाई, इसमें कुछ लग नहीं रहा है, इसमें क्या है उनका भी होगा। अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है अपन किसी की लाइफ बचा रहे, सबसे बड़ी उपलब्धि सर वही तो भाई, ऐसे कोई बैठ के जो है अपना टाइम मतलब निकाल के और मान लीजिए किसी गुरु के बारे में चर्चा, जो आज की तारीख में जो है नहीं है, जो आदमी खुद स्टेज पे आके बोल रहा है कि मैं खुद HIV पेशेंट था, उसकी रिपोर्ट आपको शेयर, मैं पर्सनली चेतना मैडम को शेयर कर दूंगा, पूरी 15 पेशेंट की रिपोर्ट आपको शेयर करता हूँ और 3 लोगों के पर्सनली मोबाइल नंबर आपको शेयर करता हूँ, आपको जितना भी इन्वेस्टिगेशन करना है उतना करिए, और डॉक्टर क्रांति चौधरी खुद एड्रेस किए, वो खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लोग सामने नहीं आते हैं गुरु भाई जी, लेकिन मैं के सामने आता हूँ। अरे डॉक्टर साहब मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप जब गुरुदेव से मिले थे आपकी बहन का जो ब्रेन ट्यूमर के लिए, उसका बताइए उनका क्या हुआ फिर, उनका क्या हुआ, मैं पूछने वाला था। नहीं नहीं हुआ था, उन्होंने उस टाइम पर लौंग मंत्र के दी थी। अच्छा। लौंग होती है उस टाइम पे, लौंग वो अपने पास रखते थे, उसको हाथ में लेके कुछ करके कह बेटा ये दे देना, फिर उनका क्या मतलब क्योर हुई है क्या हुआ, नहीं डेथ तो फिर नहीं, तो उन्होंने खुद ने भी किया था क्या सघन मंत्र जब वगैरह, नहीं नहीं वो इस कंडीशन में नहीं थी। अच्छा अच्छा, तो उनके लिए किसी और ने नहीं किया, उनके लिए किसी और ने मतलब घर में जरूरी तो नहीं है, मैडम एक काम कर सकते हो आप, हाँ जी हेलो, आप किसी के लिए जप कर सकते हो, मैं बताऊंगा पेशेंट, आप जप कर सकते हो पेशेंट, मैं मेरी बात सुनो, सब सही था डॉक्टर, सब सही था, पर रोटी में खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा ना कि दूसरे का भरेगा, ये प्रकृति का बेसिक रूल है और ये अपने धर्म का भी बेसिक रूल है, और गुरुदेव से मैं मिला हूँ उनका भी यही रूल है, अब किसी का किसी को नहीं मिलता है, जो करता है वो उसी को मिलता है। डॉक्टर साहब आपको मैं बताती हूँ, सुनो एक बार डॉक्टर साहब आपने, आप 2008 में गुरुदेव से जुड़े, आप स्पिरिचुअल साइंस किताब पढ़ी आपने, नहीं मैंने किताब नहीं पढ़ी, 2013
2013 में एक केस आया था, इसमें स्पिरिचुअल साइंस में आप पढ़ना, अगर मेरे पास होगी तो मैं उसकी फोटो वो भेज दूंगी। रेबीज, रेबीज क्योरेबल है क्या आप बताइए, रेबीज डायग्नोस होने के बाद? नहीं, एक केस था, अपने एक गुरु भाई हैं डॉक्टर ओम प्रकाश, गायनेकोलॉजिस्ट हैं जालौर में, उनकी भाभी थी वो, उनकी भाभी के उनका जो गाय का बछड़ा था या गाय थी वो रैबिट थी, और उसको कुछ मेडिसिन वो उसके हाथ को मुंह में डाल के दे रही थी, तो उसके रैबिज हो गया था। वो बिश्नोई थे वो लोग, जबकि बिश्नोई तो मतलब अलग धर्म होता है थोड़ा सा। तो जब उसके रैबिज डायग्नोस हो गई, तो फिर उसका हस्बैंड, उसका जो डॉक्टर साहब है डॉक्टर ओम प्रकाश जी, डायग्नोस कब हुई मैडम रैबिज? 2013 की बात है ये, जब हॉस्पिटल में उसको लेके, जो हाइड्रोफोबिया था उसके जो भी सिम्टम्स आते हैं रैबिज के सारे उसके आ गए थे, और डॉक्टर ने उसको घर भेज दिया। हेलो, हॉस्पिटल से? हाँ, घर भेज दिया था। तो अब उसकी जो मदर इन लॉ, उसका हस्बैंड मंगलाराम जी गोदारा है, अभी भी वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, टीचर भी हैं गवर्नमेंट में, उनका जो ब्रदर इन लॉ जो डॉक्टर है गायनेकोलॉजिस्ट है, वो तीनों बैठ के उसके लिए उन्होंने नाम जप किया, और वो लेडी है ना क्योर हो गई। आपको 5 दिन के बाद गुरुदेव उसको खुद उसके ध्यान, लेडी को ध्यान लगने लग गया, और गुरुदेव उसको इंस्ट्रक्शन देने लगे ध्यान में आकर के कि तुमको क्या करना है कैसे, और वो लेडी क्योर हो गई। रजिस्टर्ड करवाया केस? मैं उस है नहीं, नहीं, जैसे अपने वर्ल्ड में अब तक 3 ही केस हुए हैं जो रैबिट क्योर हुए, वापिस ठीक हुए, 3 ही केस हुए हैं, वो इंडिया में नहीं है एक भी। हाँ, तो वो है केस, आप मंगलाराम जी गोदारा के नंबर चाहे तो मैं भेज दूंगी, चेतना जी आपके नंबर मेरे को दे दो। क्या शुभ नाम है डॉक्टर साहब आपका? भंवरलाल कुमावत। भंवरलाल जी, तो हाँ जी, तो ओम प्रकाश जी डॉक्टर साहब के दे देंगे नंबर आपको, तो आप उनसे भी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करना। इसके अलावा एक शिजोफ्रेनिया का केस था, पहले भी मैं इस मंच पे बोल चुकी हूँ उनके बारे में, शिजोफ्रेनिया था, उसको उसके हस्बैंड को गुरुदेव ने खुद ने बोला था कि तुम इसके लिए नाम जप करो, ये नहीं कर सकती, तो उसके मतलब और बल पे तस्वीर इसके पास लगा दो, उसकी तस्वीर लगा दी, उसके हस्बैंड ने 3-4 दिन मतलब कंटिन्यूस नाम जप किया, और वो लेडी है ना उसको गुरु बाबा गंगाईनाथ जी ने दर्शन दिए, और वो लेडी अभी एकदम मतलब ट्रीटेड है, वेल ट्रीटेड। उस टाइम पे मैडम मेरे को गुरुदेव जी ने बताया नहीं था, मैं उन्होंने पूछा था यहाँ है क्या, नहीं है, घर पे है, हाँ, क्या क्या दिक्कत है? अब ब्रेन ट्यूमर के कारण दिखने में दिक्कत आ रही है और सुनने में दिक्कत आ रही है, तो नाम जब नहीं कर सकती तो नहीं सर, तो आप ऐसे करना, ये लॉन्ग दे देना उनको। ना गुरुदेव ने बोला नहीं, तो उसको तो बोला था जो शिजोफ्रेनिया वाला केस था ना। हाँ, शिजोफ्रेनिया भी क्यूरेबल नहीं है, ये अपने आप ही कोई किस्मत हो तो ठीक हो जाता है, वरना तो उसके हस्बैंड को गुरुदेव ने उसने पर्सनल मिला था जोधपुर जाके, तो उसको बोला था कि इसकी तरफ से तू नाम जप कर और मेरी फोटो इसके पास लगा दे, और वो लेडी 5-6 दिन में ट्रीट हो गई थी। तो हाँ, गुरुदेव ने खुद ने बोला था, ये बात जरूर है कि आपको बोला नहीं गुरुदेव ने, तो फिर पता भी नहीं होगा आपको। ठीक है, नंबर आपके, या तो चेतना जी मेरे को आपके नंबर दे देना, या डॉक्टर साहब के दे देना, दोनों के दे देना चाहे से। गुरुमान जी, ओ डॉक्टर साहब तो अपना कुछ रख ही नहीं पाए कि क्या जानना चाह रहे थे। आज वो फर्स्ट बार ही उनको मैंने कहा घर आके, उन्होंने बोला था हमको घर आके एक बार साथ में ध्यान करवाना, तो अब वो करेंगे तो उनको अनुभूतियां होगी, तो उनको सब पता चलेगा गुरुदेव के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, बात का डाइवर्सन ही कहीं और चला गया, वो कुछ बता नहीं पाए कि क्या करना है क्या नहीं करना। प्रवीण जी गुरु भाई हो तो उनको बुलाते ना हरियाणा से। जी जी जी, प्रवीण जी गुरु भाई अगर अगर मंच पे आए तो फिर आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। हाँ जी, डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब से बात करिए प्रवीण जी। जय गुरुदेव, बहुत सारे केसेस है, एक दो नहीं, बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे भीड़ है इस मंच पे। जय गुरुदेव गुरु भाई, डॉक्टर साहब तो नीचे पेशेंट थे, पर आप उनकी धर्म पत्नी से बात करी। नमस्ते जी, नमस्ते, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रवीण भाई साहब अपना बताइए बस इनको, मैडम को। मैं एयरफोर्स में था, मैं भी डॉक्टर था पहले, और 20 ईयर तक मैंने एयरफोर्स में सर्व किया है, और मेरे को ये इंटेस्टाइन और लीवर में क्रॉनिक इन्फेक्शन होता,
अच्छा, यानी सारे पैरामीटर सब नॉर्मल हो गए थे, वेट लॉस हो गया, एचबी लेवल 6 ग्राम तक आ गया। और जो मेरे कंसल्टेंट डॉक्टर थे, काफी सीनियर डॉक्टर थे, अच्छे हॉस्पिटल हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस में, उनको जो मैंने ये प्रॉब्लम रिपोर्ट्स, वो बोलते थे कि रिपोर्ट्स में उतनी ग्रेविटी ज्यादा सीरियस नहीं है जितनी आप दिख रहे हो, यानी अराउंड 35 to 40 केजी वेट लॉस हो गया था मेरा, धीरे धीरे ग्रेजुअली। ये करीब करीब 2002 से मुझे शुरू हुआ और 2008 आते आते तो मेरी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। मैं बोल भी नहीं पाता था कंटिन्यू, चलना भी नहीं, भूख तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। आप रोटी, आधी रोटी खा ली, कुछ ड्रिंक, लिक्विड डाइट नॉर्मली ज्यादातर, वो भी थोड़ी बहुत, और एचबी लेवल बहुत कम आ गया था 6 ग्राम, तो एक एचबी लेवल इमरजेंसी हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। तो फिर मुझे 2009 में एक हमारे मेरे दोस्त थे एयरफोर्स में, सत्यवान जी नारनौल से, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था उनको, और उनको 3 किडनियां हैं, 2 किडनियां ज्वाइन है, एक अलग से है। तो एक जो ज्वाइन किडनी, उसमें स्टोन था, बहुत बड़ा स्टोन उनको, तो वो उसके लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, वो नेवल हॉस्पिटल है बॉम्बे में, अश्विनी हॉस्पिटल कुलाबा में, वहां एडमिट थे। तो वहां ये गुरुदेव का ध्यान करवाने आते थे संडे को, हॉस्पिटल में अलाउ कर रखा था वहां पे, तो एवरी संडे वो आते थे वहां पे। तो वार्ड्स में अनाउंसमेंट हो जाता था कि आप जिसको मेडिटेशन करना है वो नीचे, उन्होंने कोई हॉल दे रखा था उधर चले। तो सत्यवान जी भी वहां गए, तो वहीं पे उनकी हेपेटाइटिस रिपोर्ट जो बी पॉजिटिव था उनका, वो भी रेनबैक्सी से करवाया और बहुत सारी जगह से उनको करवाया, नेवल हॉस्पिटल ने अपनी लेबोरेटरी से भी करवाया, बट वो पॉजिटिव था। लेकिन वो कुछ दिन के ध्यान करने के बाद वहां पे उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस बी तो कहते हैं कि प्रिवेंटेबल तो है, क्यूरेबल नहीं है। तो वो फिर उन्होंने मुझे बताया, तो ये चीजें अनबिलीवेबल सी लगती हैं, खासकर के जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग, उनको ये चीज विश्वास नहीं होता उन लोगों को ना, थोड़ा सा हमारा ज्ञान ज्यादा बड़ा हो जाता है। स्पिरिचुअल साइंस एक कंप्लीट साइंस है और उसी में से सारी साइंस निकल रही है, और जो हम आज जो साइंस एक्सप्लोर कर रही है वो स्पिरिचुअल साइंस को ही एक्सप्लोर कर रही है। पॉइंट कुछ परसेंट एक्सप्लोर्ड है और बाकी तो अभी हिडन है सब कुछ। तो गुरुदेव भी बोलते हैं कि स्पिरिचुअल साइंस और ये भौतिक साइंस दोनों मिल जाए तो कोई भी प्रॉब्लम का, फिर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, हर क्वेश्चन का आंसर। तो 2010 में मेरे को ये उन्होंने फिर मुझे मिले, दोबारा मिले। जब वो मुझे पहली बार बताया तो मैं बोला कि आप दो अच्छे हॉस्पिटल में हो और डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवा लो, बाबा के चक्कर में मत पड़ो। और उसके बाद हमारी 3-4 महीने तक कोई बात नहीं हुई। उसके बाद में मेरी हालत तो वैसे ही ग्रेजुअली एवरीडे कुछ ना कुछ मुझे नुकसान ही हो रहा था। तो वो मुझे एक बार 2010 में फिर मिले, मुझे जुलाई का महीना था, और उन्होंने बताया कि तुम ये एक वीक मेरे कहने से करके देख लो, तुम्हें कोई फायदा नहीं हो तो मत करना, छोड़ देना, तुम्हारा क्या लग रहा है, एक 15 मिनट सुबह दे दो और ये मंत्र जप कर। तो मेरी वाइफ है, उन्होंने पहले शुरू किया और 2-3 दिन के बाद मैंने शुरू किया। तो मुझे 1 वीक हुआ था, मुझे बड़ा मीठा रस आना शुरू हो गया मुंह में ऑटोमेटिकली, मीठा रस आना। तो मुझे, मैंने नोटिस किया उसको कुछ दिन और बाद, 1.5 महीना हो गया वो आते आते, और मैंने नोटिस किया, मैंने मेरी वाइफ को बताया कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। तो उनके पास भी कोई आंसर नहीं था, हमें पता ही नहीं था इस सिद्धियोग है क्या, ठीक होना ही सबसे बड़ा इश्यू हो रखा था कि कैसे भी ये लाइफ बच जाए। सिद्धियोग या स्पिरिचुअलिटी में हमारा कोई इंटरेस्ट था नहीं कभी, ना घर में ऐसी कोई गुरु शिष्य की कोई परंपरा रही, ना के बराबर नॉलेज थी स्पिरिचुअलिटी की। तो यही था कि ये लाइफ बच जाए बस कैसे। तो मैंने फिर सत्यवान जी को फोन किया, मैं भाई ऐसे ऐसे हो रहा है कुछ, क्या है ये, मेरा रोज मीठा मुंह हो जाता है, मैं ध्यान करता हूँ। तो बोले कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो गुरुदेव ने शुरू कर दिया है, मीन ये आपको इंटरनली आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सेटल करेगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली होती चली जाए।
तो सिस्टर मुझे टाइम तो बहुत लगा इसमें ठीक रिकवर होने में। फिर मेरी मेडिसिन कुछ चल नहीं रही थी, वो नॉर्मली एंटी गैस्ट्रिक, और वो डॉक्टरों ने बोला कि भाई आप डाइट को थोड़ा सा अपना स्ट्रिक्टली, मैं मेरी कुछ डाइट है ही नहीं, मैं तो आधी रोटी खाता हूँ, मुझे कुछ खाया ही नहीं जाता। तो बोले कि ये जो चीजें गड़ी ऑटोमेटिक रिकवर होंगी, लीवर अगर एक बार कहीं पे इन्फेक्टेड हो जाए तो उसका थोड़ा प्रोसेस स्लो है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये मेडिसिन खाइए। तो तीन चार मेडिसिन उन्होंने शुरू कर दी, वो फिर मेडिसिन से मुझे कुछ खास रिजल्ट मिल नहीं रहा था। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि इट विल टेक टाइम, वो इतना जल्दी आपको ऑल ऑफ सडन के स्विच ऑन ऑफ वाली बात नहीं है कि आप ठीक हो जाओगे। तो मैं भी मेडिकल बैकग्राउंड से, तो मैं भी समझता था कि ये इतना जल्दी तो कुछ होने वाला नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी और मेडिकल साइंस दोनों को साथ लेके कुछ दिन तो मैंने मेडिसिन खाई और मेडिटेशन भी किया, फिर मैंने मेडिसिन भी छोड़ दी, नहीं खाई फिर मैंने। मुझे एक महीने के करीब मुझे ऐसा फिर ये लगने लगा कि हाँ शायद मैं ठीक हो जाऊंगा यहाँ पे। तो जैसे जैसे मैं ग्रेजुअली डाउन हो रहा था मेरी हेल्थ ना, वैसे ही वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगे बिट बाय बिट एवरी डे। तो वो होते होते फिर मुझे करीब लग 1.5 ईयर के बाद में योगिक मूवमेंट शुरू हुए बॉडी में, तब तक नहीं हुए। तब तक तो मीठा रस बहुत आया, गुरुदेव ने पूरा भर भर के पिलाया मुझे, और उसके बाद मेरी योगिक मूवमेंट शुरू हो गई। अब योगिक मूवमेंट शुरू होने से मुझे थोड़ा सा और ये फेथ मेरा डेवलप हो गया कि हाँ ये कुछ तो है, ऐसी चीज नहीं है। तो मेरा उस दिन के बाद मैं पूरा कंटिन्यू ध्यान करता हूँ 2 टाइम, और मैं मंत्र जप किया करता हूँ, नाद सुनाई देती है अभी, और मेरा अभी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। HP मेरा अराउंड 13.5 के आसपास है, वेट अराउंड मेरा 65-70 के बीच रहता है, और मैं सारी चीजें खाता हूँ। पहले मैं फैट वगैरह, ये प्रोटीन, ये चीजें तो खाई, छोला राजमा दाल तो मैंने पता नहीं, मैंने 2 साल तो नमक मिर्च भी नहीं खाया, डाइजेस्ट ही नहीं होता था मुझे वो बिल्कुल भी। तो अभी सारी चीजें मैं ले लेता हूँ, ना मुझे कोई किसी चीज की टायर्डनेस है, ना फटीग है, मैं दौड़ भी लगा लेता हूँ, एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ, 12-12 घंटे काम भी कर लेता हूँ ऑफिस में। तो वो सारी चीजें अब चली गई गुरुदेव भगवान की दया से। तो ये है सिस्टर मेरा तो कहानी ब्रीफ में मैंने बताया आपको जी। कोई अच्छी बात है ये, तो चलो आप अभी नॉर्मल हो, अब हमें टाइम लगेगा। नहीं टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा, क्या है कि आज ही सुना है इनके बारे में। तो बस मैं इस पे देखो, जब तो आप डॉक्टर हैं क्या? नहीं नहीं हाउसवाइफ। आप आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं? हाँ जी। जो अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे वही? हाँ जी। हाँ हाँ ओके ओके, कोई इश्यू नहीं है सिस्टर, ये तो टाइम कुछ लगना नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो बस आप जो गुरुदेव ने बताया वो कीजिए, बाकी तो आप अपना काम जो कर रहे हैं करते रहिए। 15 मिनट सुबह से आप ध्यान कीजिए, और मंत्र जब जितना मेंटल चैंटिंग हो उतना कीजिए। दिमाग में तो कुछ ना कुछ चलता रहता है ना 24 आवर्स, मेंटली हम कहीं होते हैं, फिजिकली हम कहीं होते हैं, तो सब चीजों उन सब का इलाज हो जाएगा यहाँ पे, सबका ट्रीटमेंट हो जाता है यहाँ पे। कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन बचता नहीं है जो अनआंसर्ड रह जाए। तो फिर डॉक्टर भी बोलते हैं ना कि दवा काम ना करे तो दुआ करो, अल्टीमेटली हमें भगवान के शरण में जाना ही पड़ता है ना। मेडिकल साइंस की अपनी बाउंड्रीज है, अपनी लिमिट है। तो मेडिकल साइंस बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर उनके पास अभी नहीं है, एक्सपेरिमेंट। यहाँ हम इस ध्यान के द्वारा तो कितने डॉक्टर गुरु भाई बहन हैं हमारे इसमें सिद्ध योग में, जिनको गुरुदेव ने उनका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट की लाइन ही दिखा देते हैं, कई बार सर्जरी करना दिखा देते हैं, ऐसे करो ऐसे करो। जोधपुर से एक डॉक्टर थे, मैं कई दिन की बात हो गई, सालों हो गए आपको, वो बताया वो यूरोलॉजिस्ट थे शायद, नहीं पेडिट्रिशियन थे, वो बोले एक बच्चे का यूरिन फ्लो नहीं हो रहा था, न्यू बॉर्न बेबी था, और कुछ सर्जरी कर दिया फिर भी नहीं हुआ, तो सीरियस हो गया बच्चा। तो फिर ध्यान लगाया, गुरुदेव ने बताया उनको कि अब दोबारा सर्जरी करके ऐसे करो इसको, और बच्चा आज बड़ा हो गया होगा, मेरे ख्याल में 5-7 साल का तो जरूर हो गया होगा, 5-6 साल का। अच्छा हाँ जी,
तो थोड़ा सा इसमें तो कुछ नहीं है, भगवान को तो हम मानते ही हैं, रोज कोई ना कोई पूजा पाठ तो करते ही हैं सब घरों में धार्मिक परंपरा में, तो थोड़ा सा आप इसको करके देखिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ करेंगे, हम भी करेंगे। जी 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 ठीक है सिस्टर, जय गुरुदेव। जय कुछ हो तो बताइए। धन्यवाद। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बड़ा अच्छा लगता है, आप तो आपकी टीम तो शानदार है। ये तो गुरुदेव गुरुदेव ही कराने वाले हैं गुरु भाई। गुरुदेव भाई भी है, साथ में ही लग रहा है। वही करवाने वाले हम, कब कह रहे हम कर रहे हैं। सही है। सुनील गुरु भाई भी साथ में है। आप लोग लगे रहते हैं, आप गुरुदेव के विशेष दूत है, विशेष दूत। बिल्कुल, गुरुदेव का कार्य तो प्रायोरिटी वन है, वो साथ साथ चलता रहता है। मैंने भी ऑफिस में प्लेट रख रखे हैं गुरुदेव के, मेरे ऑफिस में ही साथ ही रखता हूँ और देता रहता हूँ वहीं पे, भाई करते रहो इसको, ध्यान कर लो, साथ साथ ये काम भी कर लो, जीवन सुधर जाएगा, इजी हो जाएगी लाइफ। आप तो गुरु भाई एडमिनिस्ट्रेशन वाली उस लाइन में हो, फिर भी आप कर लेते हो, तो हम तो फिर प्रयास ही कर रहे हैं। चेतना बहन, मैं तो बहुत बताया, मतलब सब लोगों को बताता हूँ, जितने मैक्सिमम लोगों को मैं मैसेज देता हूँ गुरुदेव का, भाई ये साथ में ये भी कर लो जो कर रहे हो, साथ में ये भी कर लो, तो आपकी लाइफ और इजी हो जाएगी और सुकून भरी जिंदगी हो जाएगी आप लोगों की। ज्यादा डिटेल में तो ध्यान करेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा। करते भी हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, मेरे ऑफिस में ही कई लोग करते हैं, मेरे ऑफिस में कई लोग करते हैं, पड़ोस में कर रहे हैं, एक हमारे यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर, उनके पीए को बताया बड़ी प्रॉब्लम थी, 1,00,000 रुपए का तो इंजेक्शन लगता था, वो भी कर रहे हैं अभी 3-4 दिन से ध्यान। उन्होंने तो थैंक यू बोला, बोला आपने बड़ा अच्छा रास्ता बताया। मैं बोला आपके नसीब अच्छे हैं, गुरुदेव भगवान ने आपको जो शरण में लिया आपके नसीब अच्छे हैं, हाँ कर्म अच्छे हैं आपके, तो वो भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इधर अभी एडमिनिस्ट्रेशन में भी मैं किसी को मतलब पंपलेट देना मैं भूलता नहीं हूँ, पंपलेट लो मैसेज दिया गुरुदेव का, आगे फीडबैक भी ले लेता हूँ, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दोबारा भी बता देता हूँ भाई कर लो ठीक हो जाएगा, जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएगी, कर लो इसको एक बार करके देखो। तो साथ साथ ये कार्य तो चलता रहता है चेतना बहन, मैं भी कोशिश करता हूँ कि ये चलता रहे, इससे थोड़ा सा और पॉजिटिव एनर्जी रहती है सच में। जी, जी। हाँ जी, और वो जो एक हमारे कोविड में एक हमारी डॉक्टर मेरे साथ ही काम कर रही थी, जैसे मैं कोविड भी मेरे पास ही चार्जर है यहाँ डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का ना, मैं ही देख रहा हूँ 2 साल से, तो एक डॉक्टर थी होम आइसोलेशन देख रही थी, वो अब थर्ड वेव, तो नीज की बड़ी प्रॉब्लम है, गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर, घुटने में दोनों में गए हुए हैं, घुटने चला भी नहीं जाता, ज्यादा एज नहीं है, अराउंड 40 होगी। मैं उनको बताया देखो डॉक्टर का दिमाग लगाओगे तो ऐसे ही आप घूमते रहोगे, कहीं दिखा लो इसका इलाज नहीं है, 40 साल की उम्र में जब घुटने चले गए तो बचा क्या, कैसे जिंदगी गुजारोगे, ये करो। माता रानी को बहुत मांगती है, मैं बोला माता रानी यही है, माता रानी आपके सामने आ जाएगी, इसको करो, इसको करके देखो। 1 वीक पहले बताया था नहीं किया, कल फिर उसको फोन करके बताया कि कर लो 2-4 दिन करके देख लो, आपको आराम मिलेगा, तो बोली मैं करूंगी इसको। तो जैसे जो भी मिलता है ना चेतना बहन, हम भी कोशिश करते हैं कि किसी का गुरुदेव भगवान भलाई होगा, भगवान की शरण में आ गया तो भलाई है, उसके जीवन सुधर जाएगा। जी ठीक है, पीके सिंह भाई साहब और लीजिए, और गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धन्यवाद आप लोगों का, आज का विषय इतना बढ़िया रहा, डॉक्टर साहब आ गए तो और इसमें 4 साल लग गया कार्यक्रम में। बड़ा अच्छा बता रहे थे चेतना बहन और ये ना चेतना बहन जी ने सही समय पे मतलब डॉक्टर साहब के पास पहुंची थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। चेतना बहन डॉक्टर साहब का नंबर दोगे क्या गुरु बहन, सेशन के बाद ले लें। हाँ नंबर चेतना बहन जी से ले लीजिएगा। हाँ जी सर स्वागत है गुरु भाई। मैं डॉक्टर साहब जो
डॉक्टर साहब जो जुड़े हैं उन्हीं के लिए बोलना चाहूंगा कि मेडिकल साइंस में हीमोफीलिया भी इनक्योरेबल है, और हीमोफीलिया का जो पेशेंट है वो कई पेशेंट है। एक तो डॉक्टर हेमंत चौधरी है जो एम्स दिल्ली के अंदर डॉक्टर है खुद, आज की तारीख में उनके नंबर अगर उनको चाहिए तो मैं पर्सनली शेयर कर दूंगा, वो खुद बात करें। डॉक्टर हेमंत चौधरी जब छोटे थे तब उनको हीमोफीलिया हुआ था और आज की तारीख में वो बिल्कुल ठीक है और एम्स दिल्ली के अंदर डॉक्टर है। अगर उनको चाहिए तो पर्सनली वो बात कर सकते हैं। और मैं चौथमल जी गुरुभाई अगर जुड़े हुए हैं वैसे निवेदन करूंगा कि गुरुबहन का जो अनुभव शेयर करें, क्योंकि सोराइसिस भी जो है इनक्योरेबल है। बिल्कुल, अगर संभव हो तो गुरुभाई शेयर करें। नहीं, नहीं, डॉक्टर साहब ने चैलेंज नहीं किया वो, इसीलिए वो हम लोग नहीं कुछ और लोगों को नहीं ला पाए। चैलेंज किए होते तो बहुत सारे उदाहरण पेश करते हम। जी गुरुभाई जी स्वागत है। जी गुरु भाई जी, जैसे अभी अपन ने डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे तो अपना उद्देश्य केवल ये था कि गुरुदेव ने जो जानकारी चाहिए थी कि दर्शन के बारे में जानकारी देना और थोड़ा सा उनको वापस रिज्वाइन जो हो रहे थे जैसे दियोग से वो बताना, लेकिन अपन थोड़ा सा इसमें बहुत ज्यादा जो चीज हो गई कोई ठीक है। बात का डाइवर्सन ही बदल गया गुरु भाई जी, बात का डाइवर्सन ही बदल गया। दिक्कत नहीं, अब आप सेशन को आगे बढ़ाए और रजनी गुरु भाई ने हैंडरेज किया है, रजनी गोयल गुरु भाई ने जी, रजनी गोयल उन्होंने हैंडरेज किया था। रजनी गोयल भाई जी आपका स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। गुरु भाई मैं तो जैसे डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी कि मेरे साथी का योग घटित हुआ मुझे कुछ नहीं हुआ, तो आपने उस चीज को बात को चेंज कर दिया कि भाई आप पूर्ण समर्पण करें, आप अहंकार ना करें, तो उससे क्या वो बात डाइवर्ट होगी। जबकि अपन उनसे ये पूछते कि भाई आपको कैसे महसूस हुआ कि आपको योग घटित नहीं, नहीं नहीं मैं तो उनको सुनने का लक्षण है, आपने उसकी क्या परिभाषा मतलब मानी, तो वो अपने अनुभव बताते। हाँ वो अपने अनुभव बताते फिर उसके बाद वो आगे डिस्कशन होता है। लेकिन अब कोई बात नहीं, जो हो गया जैसे बात होगी, तो क्योंकि मुझे भी आज तक कोई योग घटित ही नहीं हुआ, लेकिन और अनुभव तो होने लगे हैं, वो भी अब होने लगे हैं। 11 साल 2010 से जुड़ी हुई हूँ गुरुदेव से, तो अगर मैं भी ऐसे सोचती तो फिर वो एक अंतर में विषय उठ रहा है और मैं आपको बताऊं कि जो योग दर्शन अपना जो सिद्धि योग है, सिद्धि योग में जैसे आप कह रहे हो कि मुझे कोई क्रिया नहीं हुई, गुरुदेव ने अपने दर्शन में ये बताया है कि जिनको कोई रोग नहीं है उनको योगिक क्रिया नहीं होती है। और वैसे जो कुंडलिनी जागरण होती है तो उसमें 3 प्रकार के परिवर्तन महसूस किए जाते हैं जागृति के दौरान। पहला तो होता है क्रिया, योगिक क्रियाएं जो सामान्यतः सभी लोगों को होती है, किसी को होती है कहीं किसी को नहीं होती। दूसरा विषय होता है मनोमय जिसको हम कहेंगे, या मानसिक रूप से, यानी हमारे को बहुत सारे दर्शन होना या जो है बहुत सारी चीजें दिखना, भूत भविष्य दिखना, वो भी उस सिद्धि योग के अंतर्गत आता है और होते हैं। और तीसरा एक चीज और होती है जिसको वाचिक कहा गया है, यानी जैसे हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम या तो चिल्लाते हैं, हंसते हैं, बहुत सारे रोते हैं, बहुत सारी अलग अलग आवाजें निकालते हैं। तो ये तीनों जो चीजें हैं वो सिद्धि योग यानी जागृत कुंडलिनी के ही एक परिचय है, परिचय हो जाता है स्वतः इस तरह का। 3 रूप में होता है, लेकिन हम मोटे तौर पर यही देखते हैं कि भाई योगिक क्रियाएं होगी और योगिक क्रियाएं नहीं होगी, लेकिन इन विषयों पर अपन नहीं जाते। कई बार वो व्यक्ति जैसे ही जुड़ता है और मंत्र जपता है, मंत्र जपते जपते उसके अंतर से बहुत सारे और दूसरे मंत्र या ओम का उच्चारण या बहुत सारी चीजें निकलती है, तो वो एक स्वर वो जो है उसका वाचिक रूपांतरण होता है एक तरह से, उसके अंदर के संस्कार उदित होते हैं। तो ये ऐसा कोई होना जरूरी नहीं है, गुरुदेव ने स्वयं इसको कहा है कि भाई आपके जो भी परिवर्तन आएगा वो प्रारब्ध जप तप योग और उसके बाद औषधि, अंतिम औषधि गुरुदेव ने बताई है। तो अब जो डॉक्टर्स लोग करते हैं वो केवल औषधि करते हैं, बाकी मेंटल के लिए और चीज के लिए गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि वो नहीं कर पाते हैं, वो मेंटल को टच करते हुए भी आज के ऐसा है। तो निश्चित रूप से अपने को ये चीज जो है इस तरह से बताएं या इस तरह से बात करें कि भाई पूर्व में आपको कैसा हुआ, क्या आभास हुआ, जागृत कुंडली होने के बाद क्या हुआ, तो ऐसा निश्चित रूप से। और अगर केस स्टडी अपन पढ़ें तो उसका एक स्थिति बता दें या पुस्तक का बता दें कि इस पुस्तक में ऐसा दिया है। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया अपना स्वयं का उदाहरण, तो वो भी काफी अच्छा, एक बहुत बढ़िया बात है। सेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। और गुरुबेन आप अपना कुछ बोलना चाहें तो आप अपना बताएं, क्या साधना कैसी चल रही है और कैसा अनुभव हो रहा है आपको।
आपको तो शेयर भी किया था गुरु भाई, मतलब क्या है जैसे आप जो कह रहे हैं ना वाचिक, और ये मुझे कोई प्रकार का कोई अनुभव 10 साल में नहीं हुआ, मतलब 10 साल से मतलब मैंने 1 साल तक तो बहुत उससे नाम जप भी किया था, ध्यान भी करती थी, लेकिन इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं हुआ। हाँ भौतिक लाभ जरूर मुझे मतलब अनुभूतियां कराई गई कई सारी भौतिक तो है ना, लेकिन जैसे मैंने आप मतलब पहले भी डिस्कस किया था कि मैं मतलब इस अभी इस समय भी गुजर रही हूँ, स्पाइन की प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ और उससे अभी निकली नहीं हूँ, लेकिन लगातार नाम जप करने के बाद मुझे अपने आप नाद सुनाई देने, मैंने आपसे भाई मेरे कहीं दिमाग में ही तो इश्यू नहीं हो गया, कहीं मेरा सेट तो नहीं हो गया है ना, लेकिन धीरे धीरे अब वो मेरे कन्फर्म हो गया कि वो ना भी, अब अभी दो तीन दिन पहले 4 तारीख की बात तो स्पेस कविता गुरु ग्रंथ से डिस्कस हुआ था, वो बताते हुए कह रही थी मेरे तो नाद मतलब हृदय तक आता था है ना, तो फिर मैंने खुद ने अनुभव किया कि 11 बजे के बाद का समय होगा, शादी में नेटवर्क का इश्यू, आपकी आवाज टूट रही है गुरबान, आपकी आवाज टूट टूट करके आ रही, क्लियर नहीं आ रही। चलिए एम के श्रीवास्तव जी गुरु भाई कुछ कह रहे हैं, बुला लीजिए। हेलो जी, अब आ रही है जी, आ रही है, बोलिए। हाँ तो 4 तारीख की रात को मैंने खुद महसूस किया 11 बजे के बाद, जैसे मेरे जो नाद है वो तेज होता हुआ पूरे सिर में फैल गया, मतलब सनसनाहट के रूप में, जैसे कोई फोन वाइब्रेशन मोड में होता है और हमारे हाथ में हो तो हमें हाथ में जैसा फीलिंग होता है इस तरह से बढ़ता जा रहा है, सनसनाहट बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे मेरी जीभ पे भी बहुत ज्यादा सनसनी मुझे महसूस हुई वो उतरी, फिर धीरे धीरे गले पे मुझे सनसनी महसूस हुई और गले तक आके मुझे इतनी अच्छी फीलिंग, मतलब इतना आनंद का अनुभव हो रहा था उसमें, पहली बार मेरे को इतना आनंद पहली बार आया होगा है ना। फिर मैंने 5 तारीख को सुबह भी ट्राई किया कि अपन इस नाद को और ध्यान से सुनते हैं ऐसा होता है, तो 5 तारीख को सुबह भी मुझे इस तरह की अनुभूति हुई। अब उसके बाद मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन मुझे कोई अनुभूति अब आज मतलब नहीं, अभी तक नहीं हुई थी मतलब 5 तारीख की सुबह के बाद में, तो जरूरी नहीं है कि हमें कोई लक्षण घटित हो। नाद में क्या होता है, मैं खुद उसका भुक्त भोगी हूँ, मैं पिछले 15 साल से सुन रहा हूँ, गुरुदेव सुना रहे हैं नाद को, और मुझे तो इतना जबरदस्त सुनाई देता है, इतना जबरदस्त, अभी आप लोगों से बातें हो रही, दोनों कानों में सिटियां बज रही, बहुत जबरदस्त सुनाई देता, और स्पेशली जब मैं भजन गाता हूँ तो उस समय तो लगता है कि पूरा एकदम ये जो सर है ना पूरा एकदम सिटी में हो जाता, बहुत तेज बजता है। तो नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है गुरु भाई कि जरूरी नहीं है कि हमें तुरंत कोई क्रिया हो, लेकिन गुरुदेव का काम चालू हो जाता है, मेरे कहने का मतलब बस। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जैसे आप बोल रहे हैं कि उसके बाद कोई अनुभव नहीं, ये अपने आप कभी भी बढ़ेगा, कभी भी बढ़ेगा, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन के बाद एकाएक बढ़ता है, और कभी कभी तो निरंतर 2 दिन 3 दिन 4 दिन एक ही स्पीड में रहता है फिर डाउन हो जाता है, जैसे लगता है कि बंद हो गया, बहुत उसकी उसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। तो नाद का ये प्रोसेस है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और कुछ आपको बोलना है तो स्वागत है, नहीं तो फिर एम के श्रीवास्तव जी को हम बुलाना चाहेंगे। जी जी गुरुदेव, नहीं बोलना मुझे, जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। गुरुवान श्रीवास्तव जी आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। आपका बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। मेरी आवाज जा रही है? जी जी। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। हमारी गुरु बहन बनारस की हैं, हालांकि वो सामने तो नहीं आना चाहती हैं, उनका कुछ एक्सपीरियंस हम शेयर करना चाहते हैं। बनारस में जो ध्यान केंद्र है यहीं पे हम लोग रहते भी हैं सपरिवार, नीचे गुरु बहन भी रहती हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और हॉल जो है गुरुदेव का ध्यान केंद्र का जो हॉल जहाँ कार्यक्रम होता है फर्स्ट फ्लोर पे है। तो कार्यक्रम बराबर गुरुदेव के जो भी होते रहते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे लोग आते हैं, तो कुछ लोग योगी क्रिया होती है कुछ लोग को नहीं होती है। तो जो नीचे गुरु बहन रहती हैं कहती हैं अंकल सभी को तो होता, हमें कुछ होता नहीं है, गुरुदेव ने हमें स्वीकार किया कि नहीं किया, हमने गुरुदेव आपको बहुत अच्छे से स्वीकार कर लिए हैं, किसी का किसी से तुलना नहीं होता है,
पहली चीज, और स्वीकार कर लिए हैं इसमें 1% भी आप मन में भ्रम न रखें। आपने आपके गुरुदेव ने दो ही चीज बताई है, ध्यान और मंत्र जाप। मंत्र जाप को अच्छे से करते रहें। कुछ इधर 3-4 महीनों से उनके सामने परेशानियों का दौर आना शुरू हो गया, उनके फिजिकल बॉडी में एक के बाद एक कई परेशानियां आई, बड़ी विचलित हो गई, बहुत ज्यादा विचलित हो गई। उनके हस्बैंड जब ये नहीं जुड़े हैं गुरुदेव से, तो उनके मन में आया कि गुरुदेव से जुड़ने के पहले तक तो ऐसी परेशानी नहीं थी। कई लोग उनको और भी कहना शुरू कर दिए, जब से तुम बाबा के शरण में गई तब से परेशानी बढ़ गई, इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आपकी सफाई हो रही है, ये परेशानी का जो दौर है ये एहसास कराता है गुरुदेव आपको स्वीकार कर चुके हैं और ये आपकी सफाई हो रही है। निश्चित रूप से 100% सफाई के बाद गुरुदेव आपको बहुत अच्छे से बहुत अच्छी उपलब्धि आपको देंगे। यकीन करें, धैर्य रखें। यदि आप धैर्य नहीं रखते हैं तो परेशानी आपकी बहुत बढ़ भी सकती है और आपके हल भी नहीं हो पाएगी। दुनिया की कोई ऐसी शक्ति ताकत नहीं है जो आपकी परेशानी को हल कर सके। नोट कर लें इसको जी। तो हमने कहा इसका एक उपाय है, जब परेशानी बहुत ज्यादा आ गई तब सघन मंत्र जप करें। मंत्र जप खूब करें। इसके पहले लगता है आपका मंत्र जाप उतना अच्छा नहीं हो पा रहा होगा। एक हफ्ते उन्होंने जब मंत्र जाप खूब तेज करना शुरू कर दिया और ये भी कहा कि आप जो ध्यान नीचे कमरे में करती हैं, नीचे न करके गुरु के हाल में हम लोग के साथ करें आप। तो शाम के टाइम हम लोग साथ ध्यान कर रहे थे, तो पहले तो ध्यान में मुस्कुराई, उसके बाद करीब 10-11 मिनट बाद बहुत तेजी में डर गई और बहुत तेज भयभीत होकर रोने लगी। पूरा बॉडी उनका हिल रहा था, बाल वो बिखर गए, बहुत तेज रोने लगी जैसे कोई छोटा बच्चा बहुत भयानक खतरनाक चीज देख लेता है। हमारा भी ध्यान टूट गया। तो हमने कहा भाई गुरु गुरु जपो। अब ऐसे हम भी सोचे कि ऐसे में क्या अचानक से क्या हो गया, जो आज तक ये कहा करते थे कि गुरु सबकी योगी क्रिया होती, मेरी नहीं हो रही, आज इनके साथ हो रहा है तो ये भयभीत हो रही है। तो दूसरे सेशन में मेरी मिसेज ने ये बात उठाया था, तो उनसे पूछा कि गुरु बहन क्या हुआ जो आप देख के डायरी पूरा डिटेल बताएं। कह गुरु शुरू शुरू में गुरुदेव का एक छाया दिखाई पड़ा, कटकाठी सफेद कपड़े में, बहुत स्पष्ट चेहरा नहीं था। अब गुरुदेव जैसे कोई टीका लगा रहे थे, अब टीका लगाते ही जो है हम डर गए, अब हम मेरे आंख से आंसू, बहुत भयभीत हो चुके थे। हमने कहा आपको किसी ने डराया तो नहीं? कहने डराया नहीं। अब पहले गुरुदेव जब हम खुश हुए थे, मुस्कुराए थे, उसके बाद जब टीका लगाए तो भयभीत हो गए। तो शाम को सेशन में गुरु मेरी मिसेस ने रामलाल जी से इस बारे में क्लियर करना चाहा, तो उन्होंने कहा गुरुदेव ने वो गुरुदेव थे, उनके अलावा दूसरा कोई नहीं था, वो टीका वो आपको लगा रहे थे। जब आपको स्पर्श किए गुरुदेव, अपना हाथ रखे, गुरुदेव की एनर्जी इतनी तेज रहती है कि किसी को डायरेक्ट सर पे हाथ नहीं रखते, थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। आपको जब टीका लगाया तो कुंडलिनी शक्ति तीव्र गति से उनकी उस ऊर्जा को आप बर्दाश्त नहीं कर सके, बड़ी तेजी में जो है अपना काम किए और आप उससे भयभीत हो गई। आपको डराया नहीं गया, आपको डर लगा, वो तीव्रता क्या बर्दाश्त नहीं कर सके। ये तो रही उस दिन की बात। उसके बाद डेली जब नीचे सुबह के टाइम में ध्यान करती है अपने कमरे में तो ध्यान नहीं, योगी क्रिया नहीं होती है, शाम को जब ऊपर करती है तो खूब होती है। हमने कहा अच्छा। नीचे का काम छोड़ दीजिए, आप ऊपर हाल में करिए, ऊपर हाल में करिए, हम लोग के साथ करें। तो 4-5 दिनों से डेली योगी क्रिया इतनी हो रही है। हमने कहा गुरुदेव से प्रार्थना कदापि मत कीजिएगा मेरी योगी क्रिया रोकिए, आप जिसके लिए आप तरस रहे थे, दूसरों की तुलना कर रहे थे, जो हो रही है तो आपकी सफाई हो रही है। लेकिन अब आज की तारीख में बड़ी खुश रहती हैं, गुरुदेव डेली दर्शन देते हैं, गुरुदेव दादा गुरुदेव भगवान कृष्ण उनके दर्शन देते हैं, खूब खुश रहती हैं, खूब आनंदित हैं। हमने कहा कि ये तब तक होते रहेगी क्रिया जब तक पूरी जड़ से सफाई न हो जाए। कहकर जिस दिन मेरी पूरी परेशानियां सारी दूर हो जाएंगे, हम डंके की चोट पे पूरी दुनिया में अपने परिवार खानदान में यादव बिरादरी से हैं, ऐसे में जरा सा भी वहम ये होता है किसी के यहाँ दूध 1 लीटर भैंस दूध कम भी दे दे तो लोग टोना टोटका कहना शुरू कर देते हैं, मंत्र मंत्र की बात करने लगते हैं। हमने कहा ऐसे क्षेत्र में तुमको अपना गुरुदेव का झंडा गाड़ना है, हम लोग आप लोग के साथ हैं। तो आज की तारीख में बड़ी प्रसन्न है, अभी समस्या का समाधान में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन गुरुदेव ने बहुत अच्छे से एहसास करा दिया, खुशी प्रदान कर दी उनको, अब बहुत खुश रहते हैं, डेली दर्शन होता है। तो ये जबकि उतनी तीव्र योगी क्रिया आज तक हमारी नहीं हुई है, लेकिन गुरुदेव ने हमको बहुत ही सुख बहुत दिया है, बहुत दिया है। यही कहना था गुरु भाई। जय गुरुदेव। धन्यवाद धन्यवाद। जय गुरुदेव आपका। जय गुरुदेव। सेशन का समय ऐसे हो गया 9:15 हो गए हैं। कोई गुरु भाई अगर संक्षिप्त में अपना कुछ रखना चाहते हैं तो स्वागत है,
नहीं तो फिर मैं इंगू जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। इंगू जी गुरु भाई, अगर मेरी आप आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपका स्वागत है मंच पे। वो मीटिंग में नहीं है जी। टोटमल जी गुरु भाई जी आप ही समर्पित कर दें। जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव की चेतना, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में व्याप्त हो, जगत व्यापी हो, जगत का कल्याण कल्याण हो और सभी गुरु भाइयों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरु।